जिन, ये जो वर्ड है आपको क्या लगता है कहाँ से आया है? वो जो जिन जिन निकलता है, ग्लू ग्लू सा बड़ा बड़ा जो। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू जय का ठेका। चैनल पे नए हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और पुराने होकर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अराउंड 96% ऑफ द पॉपुलेशन बिना सब्सक्राइब किए वीडियो का आनंद उठाती है। तो आप सब्सक्राइब कर लो और फिर आनंद उठाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं एक शार्क टैंक का प्रोडक्ट, जो शार्क टैंक के अंदर पिच थी इन्होंने और फाइव शार्क की डील भी लेके गए, और इसका नाम है इन अ कैन। इन अ कैन जिन एंड टॉनिक का रिव्यू हम आज करने वाले हैं, इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और याद दिला दूं कि इस वीडियो के एंड में मिलेगा आपको दारू तथ्य, तो एंड तक मेरे साथ में बने रहो, दारू तथ्य सुनो और फिर आराम से जाओ। ओके, अब बढ़ते हैं इन अ कैन की तरफ। तो इन अ कैन जो है ये एक तरह का कैन के अंदर कॉकटेल है। अब इससे पहले मैंने कैन कॉकटेल आई थिंक मैजिक मोमेंट के दो कॉकटेल का रिव्यू कर लिया, एक मोहितो और एक कॉस्मोपॉलिटन। तो उन दोनों का रिव्यू भी आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अब बढ़े इन अ कैन की तरफ। तो हाँ जी, ये कॉकटेल है, ऑफकोर्स रेडीमेड कॉकटेल है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा खोल के पीना है या ग्लास में लेके पीना है तो ग्लास में लेके पियो, अदरवाइज आप पी सकते हो। तो आरटीडी कैटेगरी के अंदर आता है ये, और ये जो फ्लेवर है ये जिन एंड टॉनिक है। सो इन ए कैन के पांच फ्लेवर आते हैं एज फार एज आई नो। आज हम जो रिव्यू कर रहे हैं ये जिन वाला है, इसके अंदर आई थिंक विस्की वाला भी आता है, इनका रम वाला भी आता है। तो इन्होंने अलग अलग जो हार्ड ड्रिंक्स हैं उनको लेकर, जो आइकॉनिक कॉकटेल होते हैं उनको इन्होंने रेडीमेड आपको बना के दे दिया है। अब कितना अच्छा बनाया वो तो हम आज देख लेंगे। शार्क टैंक में तो इन्होंने पांचों शार्क से डील ले ली, तो शार्क टैंक अप्रूव प्रोडक्ट हो गया ये कह सकते हो, या शार्क अप्रूव प्रोडक्ट हो गया। इसकी शुरुआत हुई थी इन 2020 में, जब विराज और समीर दोनों ने लॉकडाउन के दौरान सोचा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहिए इंडिया के अंदर भी। तो इन्होंने शुरुआत करी। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है गोवा के अंदर, ये प्रोडक्ट जो है बनते गोवा के अंदर है। अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो ये आता है 210 रुपये का, 250 ml, 210 rupees फॉर 250 ml कैन इन मुंबई महाराष्ट्र, 8% की एल्कोहल श्रिंक के साथ में आता है। मैंने गोवा के अंदर भी ये प्रोडक्ट देखा था, गोवा के अंदर इसकी प्राइस जो है वो आई थिंक 150 है। तो ऑफ कोर्स टैक्सेस वगैरह की वजह से मुंबई के अंदर तो महंगा ही मिलता है। अब अगर इसकी प्राइस की, सॉरी प्राइस नहीं, इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए, प्राइस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक पहली बात ये कि ये वीगन प्रोडक्ट है तो वीगन वाले लोग भी पी सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए तो डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन, न्यूट्रल स्पिरिट, जिन जो की है, देन ऑफ कोर्स शुगर इसके अंदर इन्होंने यूज की है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिटी रेगुलेटर्स, प्रिजर्वेटिव एंड नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स, ये सब जो है इन्होंने यूज किया है इसके अंदर। अब करते हैं इसे ओपन और ईगर देख लेते हैं कि कितना अच्छा है ये। ट्रेडिशनल जिन एंड टॉनिक जो कॉकटेल बनता है उसके साथ साथ में इसके अंदर एक चीज इन्होंने अलग करी है जो ये बताना चाहते हैं, ये है रोज मेरी इन्फ्यूज। तो इसके अंदर आपको रोज मेरी का जो फ्लेवर है वो भी एडिशनली मिलेगा, उसके साथ साथ रोज मेरी एंड लाइम इन्फ्यूज मैं कहूँगा। इन्होंने लिखा हुआ मिक्स विद फ्रेश रोज मेरी है। सो रोज मेरी एंड लाइम इन्फ्यूज कॉकटेल है एक ट्रेडिशनल जिन एंड टॉनिक के अलावा। तो जिन एंड टॉनिक का कलर ऐसे ही होता है पानी जैसा, नॉर्मल, नो कलर एट ऑल, जो आप देख पा रहे हैं। आप नोट्स लेते हैं। सटल से नोट है, ज्यादा कुछ ऐसे लाइक आ नहीं रहे हैं नोट्स। अगर आप जिन एंड टॉनिक को मिक्स करते हो, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाते हो तो उसके अंदर अच्छे से फ्लेवर आते हैं। टॉनिक वाटर का भी एक रहता है नोट, और जिन का नोट भी मिलता है। तो इसके अंदर मुझे मिल रहे हैं जिन और टॉनिक वाटर, लेकिन बहुत सरल से नोट है। उसके साथ साथ में हल्की हल्की सी रोज मेरी जो है वो फील हो रही है, एंड लाइम तो ऑफकोर्स टॉनिक वाटर जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसके साथ साथ में जो सिट्रस नोट्स है वो आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। चीयर्स।
आई डोंट नो, आप मैंने आपको बताया कि नहीं, 8% की अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ में ये आता है। फ्लेवर ना मुझे मिल नहीं रहे हैं सच बताऊं तो, मतलब यार जिन पीते हैं ना तो जिन के अंदर जूनिपर बेरी का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है, जैसा कि नोज पे था एकदम सटल सा, वैसे ये पैलेट पे भी है। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कॉकटेल के अंदर ज़्यादा पानी डाल दिया हो तो कैसा बनेगा कॉकटेल वैसा। हाँ पानी, नॉट ऐसा नहीं कि ज़्यादा टॉनिक वाटर डाल दिया हो, ज़्यादा पानी डाल दिया हो तो टॉनिक वाटर जिन ले लो, टॉनिक वाटर ले लो और उसमें थोड़ा पानी डाल दोगे ना तो ऐसा बन जाएगा। फ्लेवर अच्छे हैं लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़े ज़्यादा आने चाहिए। कॉकटेल है ना भाई, तो थोड़े अच्छे फ्लेवर दो ना, पैलेट के अंदर लगना चाहिए कि हाँ जिनके फ्लेवर आ रहे हैं, रोजमेरी के जो फ्लेवर हैं वो सब अच्छे से पैलेट पे ज़्यादा फील होने चाहिए, वो ज़्यादा फील नहीं हो रहे। नोज पे भी उतना ही माइल्ड था और पैलेट पे भी उतना ही माइल्ड है, मुझे फ्लेवर कम लगे, फील नहीं हो रहे हैं, थोड़े से अग्रेसिव फ्लेवर होने चाहिए थे, मैं ये कह रहा हूँ। तो मेरे लिए ओके ओके प्रोडक्ट है ये। आने वाले टाइम में हुआ तो हम इसके जो दूसरे फ्लेवर्स हैं उनको भी ट्राई करेंगे कि वो कैसे हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से तो जिन एंड टॉनिक आप खुद लेके बना के पी लो, वो ज़्यादा बेटर बनेगा इसके लिए। और ये कोई इतना बड़ा कोई वो है नहीं है कॉकटेल, जिन एंड टॉनिक मिक्स करके पीना इज नॉट अ बिग थिंग। तो ये इन्होंने कैटेगरी बनाई है, आई थिंक इसके अंदर इनका जो सेलिंग पॉइंट है कि हमने रोजमेरी इन्फ्यूज़ करी है, तो अब तुमने रोजमेरी इन्फ्यूज़ करी है तो उसके फ्लेवर थोड़े ज़्यादा अच्छे से दो ना, तो ताकि फील हो कि एक थोड़ा अलग प्रोडक्ट पी रहे हैं, राइट। अदरवाइज तो जिन एंड टॉनिक कोई भी घर पर मिला के ईजिली पी सकता है, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई वत लगा नहीं मुझे, इतना कुछ जमा नहीं है प्रोडक्ट, ये कह सकते हो आप। दूसरे देखेंगे कि दूसरे फ्लेवर कैसे हैं। तो अब बात करते हैं हमारे आज के दारू तथ्य। तो दारू तथ्य है वो जिन से जुड़ा हुआ है। जिन ये जो वर्ड है आपको क्या लगता है कहाँ से आया है? वो जो जिन जिन निकलता है ग्लू ग्लू सा बड़ा बड़ा जो कार्टूनों में टी वी में दिखाते हैं, वहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं है। जिन वर्ड जो है वो लिया गया है डच के अंदर जो जूनिपर बेरीज होती हैं, जूनिपर बेरीज से ही जिन बनता है, एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जिन बनाने का जूनिपर बेरीज है। जूनिपर बेरीज है उसको डच के अंदर कहा जाता है जेनेवर, और जेनेवर से जो है वो बना जिन। तो जिन ऐसे आया है, जिसका नामकरण जो हुआ है ना वो ऐसे हुआ है, इसकी नेमिंग सेरेमनी ऐसे हुई। अभी इस ब्राइडल डच के अंदर तो ऑफकोर्स है ही है, उसके साथ साथ में लैटिन में भी जो जूनिपर है, मतलब जूनिपर बेरीज का जो जूनिपर है उसे जिन कहा जाता है। तो आप लाइक डच में तो मैं से भी लिया गया, उसके साथ साथ में उसके ट्रेस जो है वहाँ पे भी मिले कि लैटिन के अंदर भी जूनिपर बेरीज को जिन कहते हैं, तो इसलिए इसको जिन कहते हैं। तो ऐसे पढ़ा जिन का नाम, और ये था हमारा आज का दारू तथ्य। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दारू तथ्य भी पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई फरमाइश है, कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्या चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं रिव्यू करूँ। आज तो हमने ये शार्क टैंक वाला प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू कर लिया, ठीक है जी। लाइक कर लो वीडियो पसंद आ गया है तो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ साथ में शेयर भी करो, प्रेस द बेल आइकन तो ताकि मैं जो भी अगले वीडियो रिलीज करूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और साथ साथ में ऑल दबाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वॉज सेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन चीयर्स।